हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय माथुर्स क्लासेस। में माथुर्स क्लासेस से रेनू माथुर आज आपके लिए लेके आई हूँ यू वीडियो। अपन ने सबने आईटीआई में एडमिशन लिया है। 1 सितंबर से हमारी सबकी क्लासेस स्टार्ट हो गई है, परंतु प्रैक्टिकल फाइल में कैसे काम करना है, कैसी प्रैक्टिकल फाइल लानी है, इसके बारे में कहीं तो टीचर अवेलेबल होते हैं तो बता देते हैं, कहीं कहीं प्राइवेट कॉलेज होती है सिर्फ एडमिशन लेते हैं, बच्चे कॉलेज ही नहीं जाते, परंतु प्रैक्टिकल की फाइल अपन को पूरी कंप्लीट करनी पड़ती है। तो मैं आज आपको फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल फाइल में कितना काम कैसे करना है ये पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से बताऊँगी। तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके ऑल बेल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। इंस्टाग्राम पे भी माथुर्स क्लासेस नाम से पेज बना हुआ है, आप उसको भी फॉलो कीजिए, और उसमें भी बहुत सारे शॉर्ट्स क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो आप उनका जवाब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देते रहिए। तो आज अपन फर्स्ट ईयर का फर्स्ट प्रैक्टिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो प्रैक्टिकल की फाइल जो होती है, एक साइड लाइनिंग का पेपर और एक साइड प्लेन पेपर होता है। तो प्लेन पेपर जहाँ होता है, जो प्रैक्टिकल अपन ने इस साइड में लिखा है उसी का ही डायग्राम इस साइड में बनाना है। तो ये आपको नज़र आ ही रहा है कि प्रैक्टिकल फाइल में कैसे करना है। अब फर्स्ट प्रैक्टिकल होता है जो आईटीआई का भ्रमण होता है। अब जिस आईटीआई में अपन ने एडमिशन लिया है उसका एक नक्शा बनाना होता है, आईटीआई का भ्रमण करके ना है। तो आईटीआई में अपन एंट्रेंस से जाते हैं, एंट्रेंस पे क्या बना हुआ है उसका एक नक्शा बनाना होता है आईटीआई का। मैं बता रही हूँ उसको कि भाई अपन को कैसे बनाना है। जैसे अंदर हुए, सबसे पहले गेट है, या लेफ्ट हैंड में ऑफिस होता है या राइट हैंड में ऑफिस होता है, प्रिंसिपल रूम होता है, स्टाफ रूम होता है, आईटी लैब होती है, क्लासेज होती है, प्रैक्टिकल लैब्स होती है। तो इन सब का अपन को क्या है, एक भ्रमण कराया जाता है, मतलब पूरी कॉलेज में अपन को घुमाया जाता है। तो उसका एक मैप नक्शा बनाना होता है, या फिर कहीं कहीं जगह होता है कि अपनी लैब का भ्रमण होता है कि भाई अपन इलेक्ट्रिशियन से हैं तो इलेक्ट्रिशियन लैब का भ्रमण किया, लैब में अंदर घुसने के बाद अपने मतलब मशीनरी किधर लगी हुई है, लेफ्ट में लगी हुई है या राइट में लगी हुई है, उस मशीनरी को पूरा एक करके अपन को मशीनरी का नाम और वो लिखना पड़ता है, और उस पूरी लैब में क्या क्या सामान पड़ा है, टेबल कुर्सी अलमारी सहित, उसका एक नक्शा बनाना पड़ता है। फर्स्ट प्रैक्टिकल तो ये हो जाता है। सेकंड प्रैक्टिकल अपने पास आता है कि सुरक्षा सावधानियाँ, ये चिन्हों का देखना कि भाई सुरक्षा चिन्ह कौन कौन से होते हैं और इनकी जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल फाइल में भी काम करना, थ्योरी रजिस्टर देखो, जो थ्योरी में अपन पढ़ते हैं वो कि वो अपन को प्रैक्टिकल में भी काम करना पड़ता है, वो कि वो कई हद तक थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ साथ ही चलते हैं। वीक वाइज मैंने आपका सिलेबस भी अपलोड कर रखा है कि भाई कौन से वीक में क्या पढ़ाएंगे। अगर आप नए हैं तो उस सिलेबस को भी डाउनलोड करके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउन इसकी लिंक दी हुई है, तो आप सिलेबस को डाउनलोड करके अपने फाइल में लगा सकते हैं। तो पहले तो सिलेबस ले लीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, मतलब कि एक ब्रेकअप सिलेबस की वीडियो बना रखी है, जो डे वाइज डे कौन से किस दिन क्या पढ़ाना है, टोटल कितने वीक होंगे, ये सभी के लिए है। अगर अपन आईटीआई में इंस्ट्रक्टर भी है ना, तो अभी उस सिलेबस का अपन के पास बहुत यूज है, क्योंकि डे वाइज डे सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलेगा। ज़्यादातर सिलेबस पूरा साल का मिलता है, उसको ब्रेकअप करना पड़ता है, डे बाई डे बनाना पड़ता है। तो इसकी वीडियो एक मैंने बना रखी है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सिलेबस की लिंक दे रखी है, आप उस सिलेबस को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल अपना ये था कि भाई लैब का मैप भ्रमण करना या लैब का नक्शा बनाना। सेकेंड आ जाता है सुरक्षात्मक चिन्हों की जानकारी प्राप्त करना। सबसे पहले तो अपन को उद्देश्य, उपकरण, औजार, सामग्री सब लिखने पड़ते हैं, परंतु अभी अपन जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें सुरक्षा चिन्हों की जानकारी। अब सुरक्षा चिन्ह कौन कौन से आता है आप सबको पता है, निषेधात्मक चिन्ह, आदेशात्मक चिन्ह या आवश्यक चिन्ह या सूचनात्मक चिन्ह या चेतावनी चिन्ह या सावधानी चिन्ह, चार तरह के चिन्ह होते हैं। इसके भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दूंगी सुरक्षा चिन्हों की, तो आप उस वीडियो को भी पूरा अच्छे से देखेंगे तो आपको कलर कॉम्बिनेशन से भी समझ में आएगा कि कलर कैसे होते हैं और कैसे नहीं होते सुरक्षा चिन्हों के। तो ये फर्स्ट सेकंड प्रैक्टिकल अपने आता है सुरक्षा चिन्हों की जानकारी प्राप्त करना। अब पहला आ जाता है निषेधात्मक चिन्ह, प्रोबेबिलिटी साइन।
प्रोबेबिलिटी साइन के संकेत क्या होते हैं। ये चिन्ह गलत कार्यों के लिए मनाही करने के लिए होता है। इसका आकार गोलाकार होता है। इनकी बॉर्डर लाइन लाल कलर की होती है, तो बीच में लाल रंग का क्रॉस बना हुआ होता है। इसकी पृष्ठभूमि सफ़ेद रंग की होती है, ऊपर काला रंग का सब चिन्ह बना हुआ होता है। और ये किस लिए होता है? धूम्रपान न करना, आग न जलना, जलती हुई आग से न बुझाना। तो ये एक है चिन्ह। तो कौन सा हो गया? निषेधात्मक चिन्ह। अब निषेधात्मक चिन्ह के ये डायग्राम आपको, ये फर्स्ट रो में ये जो दे रहा है निषेधात्मक चिन्ह के डायग्राम है। सिगरेट नहीं पीना और सड़क को क्रॉस ढंग से नहीं करना, आग जल रही है तो उसको मतलब ध्यान रखना, ये इस टाइप की ये चिन्ह होते हैं निषेधात्मक। सेकंड अपन का प्रयास होता है कि आदेशात्मक चिन्ह या आवश्यक चिन्ह। इसमें भी ये आकृति वृत्ताकार होती है। ये देखो आकृति वृत्ताकार होती है। नीली रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद डायग्राम बना होता है। ऐसा ये मतलब आदेश देता है कि आपको ये काम करना ही करना है। जैसे हैंड ग्लोव्स पहनना है, जूते पहन के काम करना है, या सर का प्रोटेक्ट करना है, या चश्मा लगा के काम करना। वेल्डिंग का काम करते हैं तो चश्मा लगा के काम करते हैं। तो ये एक आपको क्या कर रहा है? आदेश दे रहा है। फिर थर्ड आ जाता है आपके सूचनात्मक चिन्ह। आप देखो कि अपन डॉक्टर होते हैं या इंजीनियर होते हैं, तो डॉक्टर होता है तो रेड कलर का डायग्राम चिन्ह बना होता है गाड़ियों पे, भाई ये डॉक्टर को पता चला है कि डॉक्टर है। या अपन टॉयलेट वॉशरूम जाते हैं तो वो अपन को बताता है कि भाई यहाँ पे लेडीज़ का वॉशरूम है या जेंट्स का। तो बाहर एक चिन्ह बना हुआ होता है, फ़ोटो बनी होती है। महिलाओं का होता है तो महिला की फ़ोटो, और आदमी का होता है तो आदमी की फ़ोटो। तो ये अपन को क्या कर रहा है? सूचना दे रहा है, सूचनात्मक चिन्ह। इसमें भी क्या होता है? आकृति वृत्ताकार और वर्गाकार होती है, मतलब चौकोर आकृति इसकी होती है। हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद चिन्ह होता है। सुरक्षा सामग्री की सूचना प्रदर्शित करता है कि भाई यह बताता है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो ये आपको ये सूचना दे रहा है। तो ये चौथा आ जाता है सावधानी चिन्ह या चेतावनी चिन्ह। तो चेतावनी चिन्ह हमेशा त्रिभुजाकार होता है, काले रंग की होता है और इसकी पृष्ठभूमि पीली कलर की होती है। ये हमेशा सावधान करता है कि यहाँ पे ये है। जैसे अपन देखते हैं कि ट्रांसफार्मर वगैरह लगा हुआ होता है तो ट्रांसफार्मर में एक तिखुनी पट्टी लगी हुई थी, वो बताता है कि भाई यहाँ पे खतरा है। तो ये खतरे के निशान को इंगित करता है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में अपने विद्युत संपर्क में आए हुए व्यक्ति को छुड़ाना। अगर किसी को करंट आ जाता है या कुछ भी हो जाता है तो उसको कैसे छुड़ाते हैं? तो इसमें भी अलग अलग कृत्रिम विधियाँ होती है। मुख से मुख विधि, एक होता है सिलेवेस्टर विधि, एक होता है सेफर विधि, और एक मुख से नाक विधि। ये तीन चार विधियाँ होती है जिससे अपन को कृत्रिम श्वसन क्रिया से अपन को ठीक करना पड़ता है। तो सबसे पहले विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाना होता है। तो इसका ये प्रैक्टिकल पूरा लिखा हुआ है, ढंग से देखिए। आप वीडियो को पॉज कर करके आप पूरा अच्छे से लिख सकते हैं, साथ में आपको नोट्स भी मिल रहे हैं तो इसमें लिख सकते हैं। अब ये मुख से मुख श्वास में ये डायग्राम बना रखा है, देखो आप कितना सुंदर डायग्राम बना रखता है। फिर आगे की विधि आती है सिलेवेस्टर विधि। सिलेवेस्टर विधि में अपन को देखना है, सिलेवेस्टर विधि है और इसकी सावधानियाँ लिखनी है अपन को, और इसका डायग्राम अपन को बनाना है सिलेवेस्टर विधि का। फिर अपने पास आता है सेफर विधि। सेफर विधि का भी ये विधि पूरी लिखनी है और ये डायग्राम बनाना है। देखो कितना सुंदर सा डायग्राम बनाया है। तो ये आती है कृत्रिम श्वसन की विधियाँ। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल। तीसरा प्रैक्टिकल आ जाता है कार्यशाला में ये आग बुझाने के यंत्र। अग्निशामक यंत्र भी अपन ने थ्योरी में पढ़ रखे हैं। तो अग्निशामक यंत्र का भी ये पूरा है। पहला उद्देश्य क्या है? विद्युत कार्यशाला में कार्य करते समय आवश्यक सावधानियां व आग बुझाने के यंत्रों की जानकारी लेना, आग बुझाने के यंत्र का उपयोग करना सीखना और विद्युत से लगी आग को बुझाना। तो अग्निशामक यंत्र का प्रयोग क्या कहाँ होता है? सबसे पहले आवश्यकताएँ लिख देते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर ले लेते हैं और एक अग्निशामक यंत्र ले लेते हैं। विधि है, सबकी अलग अलग विधि होती है। अग्निशामक यंत्र किस कौन से प्रकार के होते हैं, या मैंने आपको इसकी भी वीडियो पूरी बना रखी है, पढ़ा रखा है ये। तो ये भी होता है अग्निशामक प्रकार देख लेते हैं। पहला है जल से भरा अग्निशामक यंत्र, दूसरा है फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, तीसरा है
आपके शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक और एलोन यह अग्निशामक यंत्र। इन यंत्रों के बारे में पूरा है तो ये पूरा अपन लिख सकते हैं और इन सब के ये डायग्राम भी बना रखे हैं, तो आप डायग्राम भी प्रैक्टिकल फाइल में देख के अच्छे से अपन बना सकते हैं। तो ये सारे अग्निशामक यंत्र के प्रैक्टिकल हो गए हैं। तो आज अपन ने फर्स्ट चैप्टर के पूरे प्रैक्टिकल्स कर लिए हैं कि भाई फर्स्ट चैप्टर का कौन कौन से प्रैक्टिकल होते हैं। सेकंड टॉपिक आता है अपने टूल्स का यानी कि औजार का, तो उसका प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, उसमें सारे औजारों के ही प्रैक्टिकल्स मिलेंगे आपको। तो आप ये काम अपनी प्रैक्टिकल फाइल में जल्दी से जल्दी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट अपन करेंगे औजारों का प्रैक्टिकल।